जी देखिए विकल्प कई हैं, विकल्प ये है कि अब वो इस्तीफा देकर किसी और के नाम पर यहाँ चर्चा हो और संभावना उनकी पत्नी को लेकर जताया जा रहा है, कोर्ट जाने का विकल्प भी दिख रहा है, विधानसभा भंग करने की सिफारिश का भी विकल्प है, तो विकल्प कई हैं, लेकिन सबसे मजबूत विकल्प अभी क्या दिख रही है सरकार को या आज जो बैठक होनी है उस पर क्या निर्णय हो सकता है? देखिए आज का बैठक जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है, 11:30 बजे से इसी मुख्यमंत्री आवास जो है, देखिए हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं और हलचल यहाँ तेज हो गई है। अंदर नॉर्मली जो है इधर सीएम का जो रेसिडेंशियल जो आवास है वहां पे बैठक होती है, अमूमन महागठबंधन की बैठक है। पहले तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा कि कितने एमएलए जो है आते हैं, कितने लोग टर्न अप करते हैं और क्या आज का स्टेटस क्या है, ये इन्हें पता चल जाएगा जो बैठक है उससे। अंदर जो है हर विकल्प पे डिस्कशन होगा, जो बाहर डिस्कशन हो रहा है कि कोर्ट जाने का विकल्प उनके पास खुला हुआ है या नहीं, इस तरह के पहले उदाहरण है कि नहीं, हरियाणा में इस तरह का हुआ था या नहीं कि किसी ने माइंस आवंटित कराया लेकिन उसको जो है क्लीन चीट दिया गया, तो तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है। एडवोकेट जनरल से भी इन लोगों ने बातचीत की होगी, कल बुलाया गया था उनको। तो सबसे बड़ी बात यह है जो तमाम निगाहें टिकी हुई है वो राजभवन पे, और पहले इसके पहले ईसीआई था कि ईसीआई किस तरह का रिकमेंडेशन भेजता है, किस ओपिनियन के साथ भेजता है, क्या ओपिनियन होता है, ये तमाम बातें थी। वहां से जब ओपिनियन आ गया और जो सोर्सेज डिस्क्लोज कर रहे हैं उसके मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो जाहिर तौर पे अगर कोई अनफेवरेबल स्थिति बनती है महागठबंधन के लिए तो सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा वो ये होगा कि उनके पास आज के तारीख में कितने आंकड़े हैं और वो क्या दोबारा से स्टेट क्लेम करने की स्थिति में है या नहीं। पहले जब 2019 में सरकार बनी थी तो यहाँ हम बता दें कि 30 एमएलए जो है वो जेएमएम के पास थे, 18 कांग्रेस के पास, एक आरजेडी ने सपोर्ट किया था, सीपीआईएमएल के विधायक जो एकमात्र हैं यहाँ पे विनोद सिंह, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था, सरयू राय और एनसीपी, यानी 81 में से 52 उनके साथ थे। लेकिन आज के हालात क्या है ये देखना दिलचस्प होगा और महत्वपूर्ण बैठक भी देखिए 11:30 बजे है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, किस तरीके के बयान आ रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। घटनाक्रम हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह जो बातें आज आ रही है तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हेमंत सोरेन की सरकार, क्योंकि अपनी काली करतूतों के कारण ही ये सरकार आज मुसीबत में पड़ी हुई। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने नाम पर लीज लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किए, तो राज्य में जो अराजनीतिक अस्थिरता हम देख रहे हैं इसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। कि भाई आप जब तक हमको आया नहीं, आप लोग खुद बोले कि लिफाफा बंद आया है, अब उनको कैसे जानकारी, अभी तक तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री का कोई नोटिस नहीं आया है। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम क्या इस पर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पक्ष में नहीं आया, विपक्ष में हमारा अगर आता है तो हमारा संख्या बल ज्यादा है और सब एमएलए जो अभी अभी सबसे बात हुई है, जरूरत पड़ेगा तो सारे लोगों को।